नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं ऐसे पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मुश्किल से पौधे लगते हैं। हम लोग सारे सीज़न में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या फिर बसंत ऋतु हो, इन सब में हम इन सब पौधों की कटिंग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कटिंग सक्सेस नहीं होती है। तो रेनी सीज़न इस टाइम पर उन पौधों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही कटिंग लगाते हैं, आपकी सक्सेस नहीं होती है, तो दोस्तों आपके लिए जो सीज़न है बेस्ट है। तो आप बिना देरी के, बिना झिझक के इन सब जो पौधों की कटिंग नहीं लगती है उनकी कटिंग ज़रूर लगाएं। तो वैसे आज मैं ही कुछ ऐसे पौधों की दोस्तों कटिंग लगाने जा रही हूँ। कौन कौन ऐसे पौधे हैं इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगी। तो वीडियो में आप लोग ना अंत तक बन रहिएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक्स भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, बरसात का सीज़न आ गया है तो इस टाइम पर हम लोग तरह तरह की कटिंग लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट की कटिंग लगाना बताऊंगी। ये है हमारा खूबसूरत सा सदाबहार, थोड़ा सा ये वाइट, और मैं अगर कहूँ तो ये थोड़ा सा क्रीमी कलर फ्लावर इनके होते हैं। और इनके अगर कटिंग अभी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, हाइब्रिड वाली वेराइटी है ये। तो इस तरीके से देखिए, इनकी थोड़ी सी मेच्योर स्टेम चलेगी, बट थोड़ा सा लेकी हो रहा ना तो मैं सोच रही थी इनको कट कर देंगे तो थोड़ा सा ये बुशी भी हो जाएगा, प्लस हमारे पास कटिंग भी तैयार हो जाएगी। तो इनकी कटिंग भी हमें यहाँ से लेनी है, इस तरीके से यहाँ से सीजर की हेल्प से देख सकते हो इस तरीके से ये तैयार है कटिंग हमारी। ताकि एक्स्ट्रा पत्तियाँ हटा देनी है ताकि कटिंग आसानी से लग जाए। इसी गमले में दोस्तों मैं लगाऊंगी ताकि इसी के साथ ये लग जाए। तो ये जो रेनी सीज़न है ना, सदाबहार के लिए बेस्ट है। और थोड़ा सा पानी से बचा के रखिएगा, बाकी आपकी कटिंग लग जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है प्राइड ऑफ इंडिया, और ये रेड और वाइट में खिलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही रिच कलर है। और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कटिंग ली हुई है। और यहाँ पे मैं सैंड सॉइल लिया हुआ, प्योर सैंड है। बारिश की वजह से दोस्तों ये भीगा हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से लग रहा होगा। और मैं यहाँ पे दो कटिंग ली हुई इस तरीके से, ये है और प्लस ये है, तो दो कटिंग है। और मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर लगा के कटिंग दोस्तों लगाऊंगी। और अगर मैं दोस्तों बात करूँ बारिश के टाइम में ना, तो ये सारे पौधे ना बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छे से लग जाते। देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें सिर्फ सैंड में इस तरीके से आपको गड़ा देना है, आराम से ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कटिंग लगाने की, एक यहाँ पे है, तो इसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ पे मिट्टी के अंदर कर दूँगी। तो यहाँ पे दो कटिंग हमारी लग गई है, यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया की। इसको सामनी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें इस तरीके से कलियाँ आती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो बिना देरी के आप इन्हें ज़रूर ग्रो करें। पानी दोस्तों इसमें ऑलरेडी नमी है तो पानी में नहीं दूंगी, बस फंजीसाइड पाउडर वगैरह आप डाल के इन्हें लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ये नेचोए पौधों से, और ये मनी प्लांट की वैरायटी से बिलोंग करता है। और वैसे भी जितनी भी मनी प्लांट की वैरायटी होते हैं ना, बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो जिन लोगों की कटिंग अदर सीज़न में नहीं लगती है, तो रेनी सीज़न बेस्ट सीज़न होता है। आप इनमें इनकी छोटी से छोटी कटिंग लेके लगा सकते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जहाँ जहाँ से पत्तियाँ होती हैं ना, वहीं से जड़ें निकली होती हैं। तो बस इनको मिट्टी में आप दबा दीजिए या फिर पानी में ग्रो कर लीजिए, आसानी से लग जाते हैं। तो फिलहाल इनको मैं सॉइल में लगा दूँगी, इसमें ऑलरेडी से एक मनी प्लांट लगा हुआ है और मैं इसी में इनको लगाऊंगी, क्योंकि जब दोनों कलर एक साथ निकल के आएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये चीज़ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नॉर्मली छोटे से पॉट में लगा रही हूँ, जो कि मेरा DIY पॉट है, तो इसी में मैं इनको लगा दूंगी। तो बिना देरी के दोस्तों आप भी इन्हें ज़रूर लगाएँ। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टिकोमा का प्लांट, ये टिकोमा वाइन है। पत्तियों देख के आप लोग तो जाने गए होंगे, फिलहाल ये मेरे यहाँ पे लगा है, लेकिन फिर मैं फिर से लगाना चाह रही हूँ क्योंकि ताकि मेरे गार्डन में बना ही रहे। और कटिंग देखिए इस तरीके से मैंने ली, हालांकि बेल होते हैं आप लोगों को पता है, सारे बड़ी बेल है, तो इनको इस तरीके से मैं मिट्टी में लगा दूँगी। देख सकते इस तरीके से आराम से लग जाएगी। और
बस तपा दीजिए, क्योंकि मिट्टी गिल्ली है दोस्तों, तो आराम से ये लग जाएगी। तो बिना देरी के इन्हें फटाफट लगा सकते हैं। किसी चीज़ का आप स्टिका वगैरह का आप सपोर्ट देंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये चल जाएगा। वो देख सकते हैं फ्लावर भी खिल रहे हैं इसमें, कली भी आई हुई है। देखते हैं अगर खिलेगी तो अच्छी बात है, अपडेट देती रहूँगी। तो ये टकूमा का भी प्लांट है, अब पूरी गर्मी बरसात भी अच्छे से ब्लूम करता रहता है। तो बिना देरी के दोस्तों इन्हें भी आप जरूर कटिंग से ग्रो करें। दोस्तों ये हमारा मोगरे की कटिंग है, और ये जो पत्ती लंबी वाली पत्तियाँ होती है ना, वो वाले मोगरे यानी बेला है। तो इनको भी मैं अभी बारिश में लगाऊंगी, क्योंकि ये कटिंग मैं दोस्तों बहुत दूर से लेकर आई हूँ, मेरे पास ये वाली वैरायटी नहीं थी। बाकी और मोगरा तो मेरे पास ये वाली नहीं थी, तो इनको भी मैं इस रेनी सीजन में ज़रूर लगाना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले दोस्तों फंजीसाइड पाउडर इसमें लगाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है ना, फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर तो ज़रूर लगाना चाहूँगी। तो मिट्टी दोस्तों आपको पता है बारिश हो रही, तो मिट्टी आपको सूखी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस मिट्टी ले रही हूँ, यहाँ पे मैं फंजीसाइड पाउडर ले रही हूँ, इस तरीके से इसमें मैं मिट्टी में इनको गाड़ दूँगी। मोगरा की कटिंग और भी है, तो जब भी आप कोई कटिंग दोस्तों लगाएं, तो दो या तीन से कटिंग लगाएं, या चार भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो रेनी सीजन या फिर कटिंग होती है दोस्तों, एक टाइम में सक्सेस नहीं होती है। देखिए ये भी एक है, सारी में एक एक करके मिट्टी में इस तरीके से लगा दूँगी ताकि लग जाए। तो यहाँ पे मैं तीन या चार कटिंग इनके दोस्तों ली हुई हूँ, तो सबकी मैं लगाने की कोशिश करूँगी। देखिए इस तरीके से और भी हैं। तो दोस्तों मोगरा प्लांट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें से पहले से एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, तो इनकी कटिंग ना बहुत ही आसानी से लगती है। तो अगर इस टाइम पे लगाना चाहते हो ना, तो बिल्कुल किसी भी जगह के आप लगा देंगे, लग भी जाएगी। थोड़ी सी इस तरीके से मिट्टी आप दोस्तों दबा दें, और पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे बारिश दोस्तों हो ही रही है। मैंने आपको दिखाया, देखिए छोटी छोटी छींटे पड़ रही हैं, और मैं बारिश में बैठी हूँ, ग्रीन नेट लगने की वजह से थोड़ा सा बची हुई हूँ। बट ये ना टाइम बहुत अच्छा है, तो हम लोग बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे इस मौसम को। और जो कटिंग कोई भी सीज़न में नहीं लगती ना, तो ये रेनी सीज़न में 100% ग्रो हो जाएगा। तो ये हमारा मोगरे का प्लांट, देखिए कलियाँ भी आ रही हैं, तो देखते हैं क्या इनका रिजल्ट होता है। फंजीसाइड पाउडर लीजिएगा, उनको लगा के तभी आप कटिंग को ग्रो करिएगा। दोस्तों ये नेक्स्ट हमारी मेरी गोल्ड है, और येलो वाला जो मेरी गोल्ड होते हैं ना, बिग साइज़ में खेते वो वाले हैं। और देखिए इनकी जड़ें थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम से मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, और पानी भी रखा था, लेकिन जब मुझे आना हुआ ना, उस टाइम पे मैंने पानी से इनको निकाल दिया हुआ था। तो थोड़ा सा मैं इनको कट कर दूँ, सूखा वाला जो पार्ट है, और तभी इनको लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कटिंग मैं नहीं लाई थी, चार या पांच लाई थी, जिसमें से मैंने दो तीन कटिंग अदर को दे दी, बाकी मैं लेकर आई। एक देखिए इस तरीके से ख़राब होगी पानी में रखने की वजह से, तो इसको भी मैं इसी मिट्टी में दोस्तों दबाऊँगी फंजीसाइड पाउडर लगा के, ताकि फंगस वगैरह ना लगे। देखिए इस तरीके से लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी गोल्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, हमेशा फूल देते। ये वाले तो बिल्कुल बारहमासी वाले जो होते हैं ना, वो वाले मेरी गोल्ड है। तो इनको बिना झिझक के अभी इस टाइम पे लगा सकते हो। तो बारिश में रखूँगी, मिट्टी ऑलरेडी गीली है, बारिश झमझमझम हो रही है, तो मेरी गोल्ड को भी दोस्तों लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं गुड़हल की कटिंग लाई हूँ, और ये देसी वाले गुड़हल हैं, रेड वाले, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये कटिंग मैं लेकर आई हूँ, तो इन्हें भी मैं लगाऊंगी। फ़िलहाल कटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं छोटी कर लूँगी, और ये बड़ी सी स्टेम सी थी, तो मैं थोड़ी सी कट कर लूँ इस तरीके से। बाकी ये वाली थोड़ी सी ग्रीन है, न्यू है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरीके से कट करके लगाऊँगी। तो मेरे पास तीन कटिंग्स होंगी हैं, तो इन तीनों को मैं अभी ग्रो करूँगी। पहले यहाँ से भी मैं कट कर लूँ। ये जो रेनी सीजन है दोस्तों, गुड़हल अगर जिसका नहीं लगता है ना, इस टाइम पे ज़रूर कोशिश करें कटिंग, जब भी आप लगाने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो आप चार या पांच कटिंग लेके लगाएं। तो इनमें मैं लगा लूँ फंजीसाइड, ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए। देखिए इस तरीके से लगा के आप मिट्टी में इस तरीके से लगाते गाड़ देंगे ना, आराम से लग जाएगा। और पीछे मेरे हैं वो भी, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई है दोस्तों, और सैंड में लगाएंगे ना, तो और भी जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप सैंड सॉइल में इन पौधों को लगाएं। तो ये हमारी लग गई है गुड़हल की कटिंग,
वो भी देसी वाले रेड कलर के। तो अभी दोस्तों अगर आप लोग के यहाँ पे गुड़हल की कटिंग नहीं लगती है तो ये रेनी सीजन बेस्ट है इनको ग्रो करने का, तो बेझिझक इन्हें जरूर लगाएं। इस तरीके से दबा दें, मिट्टी बहुत गीली है, मेरे नेल में मिट्टी घुस जा रही, तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ। कटिंग जब भी लगाएं दोस्तों ध्यान रखें कटिंग आपकी बार बार नहीं लेना, क्योंकि अभी हवा भी तेज़ हो जा रही है या फिर क्या कहते हैं पानी ज़्यादा बारिश बरस रहा है तो कटिंग हिलते हैं कि डर रहते हैं। तो फाइनली हमारा ये गुड़हल भी लग गया है। एक मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई जो पर्पल वाले हिबिस्कस आते हैं ना, देखे होंगे, तो ये वाइट वाली वैरायटी है, तो वाइट की भी मैंने यहाँ पे कटिंग ग्रो करी है। गर्मी की वजह से ना थोड़े से पत्तियाँ ख़राब हो रही थी, बट अभी इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही देख सकते हो, और प्लस में कलियाँ भी आ रही हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से कटिंग देखिए, इसमें छोटी छोटी सी कलियाँ भी आ रही हैं ये देखिए। तो आप ये वाले भी हिबिस्कस ज़रूर ग्रो करें, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं, जो कि पर्पल और ये वाइट कलर में आते हैं, येलो में भी आते हैं। तो अगर आपको दिखे ये वाली वैरायटी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये भी एक जो मल्टीपल कलर के पिंक हिबिस्कस होते हैं ना वो वाले हैं, मल्टीपल पेटल वाले पिंक हिबिस्कस हैं ये देसी वाले दोस्तों, जिनको भी मैंने कटिंग से आज ही लगाया हुआ है। तो इतनी बड़ी स्टिक मैंने ली हुई, इस टाइम ली हुई है। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं ये वाली कटिंग, ये वाले गुड़हल जो अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो बिना देरी के ज़रूर लगाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बड़े बिग साइज़ में खिलते हैं और ये हर टाइम में खिलते, कोई भी सीज़न दोस्तों इनके लिए वो नहीं होता कि गर्मी का सीज़न हो या फिर बरसात का ठंडी का खिले, ये हमेशा खिलते रहते हैं। तो ये वाली ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो गुलाब होती है ना, रोज़ वाइन जो क्रीपर वाइन होती है, उसकी मैंने कटिंग लगाई हुई प्योर सैंड में लगाया हुआ, क्योंकि सैंड में लगे हुए गुलाब जल्दी से लग जाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल पूरी बुरी कंडीशन है, लेकिन अगर मैं कटिंग ग्रो करना चाहती हूँ तो मैं हर चीज़ की कर लेती हूँ, किसी भी चीज़ की वेट नहीं करती कि हाँ ये सीज़न आए तो हम ग्रो करें। तो इन्हें भी लगाना बिल्कुल न भूले, भर भर के दोस्तों गार्डन में फूल देती हैं, बंचेस में फ़िलहाल ये फूल आते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों इन सारे पौधों की कटिंग आप ज़रूर ग्रो करें। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाना बताए हैं। ये सारे फ्लावर दोस्तों आपको हमेशा भर भर के फूल देंगे, कटिंग से इजली लग जाते हैं, तो बिना देरी के आप इन्हें कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। हिबिस्कस की मैंने दो या तीन वैरायटी, सॉरी चार वैरायटी बताई है लगाने के लिए, और एक गुलाब है क्रीपर जो होते हैं उनकी भी कटिंग मैंने दोस्तों आप सभी को बताई है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, नए प्लान, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।